हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुरे समय में क्या करें, आज की मोटिवेशन स्पीच है। जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि हम जिंदगी में आए ही क्यों हैं। हम सोचते हैं कि समय हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारे किसी से बात करने का मन नहीं करता, मानो जैसे सभी लोग हमारे दुश्मन बन गए हो। हमारी अपनों से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान ऐसे बुरे समय में क्या करे। जब भी मेरा बुरा समय आता है तब मैं बहुत दुखी होता हूँ और सोचने लगता हूँ कि कोई मेरे साथ नहीं दे रहा है, सब मेरे खिलाफ है, सब कुछ बेकार लगने लगता है। हम सिर्फ कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि जिंदगी से हार गया हूँ और दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति मैं हूँ। मैंने सोचा जैसे मैं अपने जीवन में दुखी होता हूँ, वैसे ही भारत में, इस दुनिया में कितने और भी लोग दुखी होते हैं होंगे, तो वह कुछ न कुछ सोचते होंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए मोटिवेशन स्पीच लेकर आया हूँ कि आप लोग शायद मेरे इस मोटिवेशन स्पीच से और मोटिवेशन वीडियो से आप लोग के जीवन में खुशी आ सके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर नदी के पास नहाने के लिए आए। बहती नदी के पास एक पेड़ था, वहाँ आकर बैठ गए। उनके सभी शिष्य भी उनके साथ बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन न तो गुरुजी नहाने गए, न तो उनके शिष्यों ने गुरुजी को देखकर नहाने गए। एक शिष्य ने बेचैन होकर प्रश्न किया कि गुरुजी, हम यहाँ नहाने आए थे लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, हम नहाएंगे कब? तब गुरुजी ने कहा, जब यह नदी थम जाएगी, इसके लहरें जब शांत हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, जब यह नदी ठहर जाएगी तब हम स्नान करेंगे। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी यह नदी कैसे ठहरेगी, यह तो ऐसे ही बहते रहेगी। गुरुजी हम इस नदी में स्नान करने पड़ेगा। इस पर गुरुजी ने कहा, यह नदी नहीं है, यह जिंदगी है। दोस्तों हमारी जिंदगी में भी नदी की तरह सूखे और दुखों का लहरें चलती रहती है, लेकिन अगर हम जिंदगी में ऐसे ही बैठ जाएंगे यह सोचकर कि दुख खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, तो फिर ऐसे हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, संघर्ष करते रहना होगा, यह जिंदगी की दस्तूर है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं यह कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि थॉमस एडिसन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। यह लाइट का बल्ब बनाने के लिए पहले करीब 1000 प्रयोग फेल हो गए। जब लोगों ने उनसे पूछा, जब आप 1000 बार प्रयोग में फेल हुए तो क्या आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी आपको निराशा नहीं हुई? इस पर उन्होंने कहा, इन 1000 प्रयोगों से मैंने कुछ सीखा, इन प्रयोगों से बिजली बनाई जा सकती थी। हमारी जिंदगी में कितने ही कठिन समय क्यों ना आए, हमें कुछ न कुछ जरूर सिखा कर जाएगा। लोग अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं, वे सोचते हैं कि यह चीज वह मेरे लिए नहीं बनी है, बस यही सोचकर वह चलना छोड़ देते हैं। अपनी किस्मत पर मत रोइए, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखिए। दोस्तों जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपने में छिपा हुआ गैर और गैरों में छिपा हुआ अपना कभी नजर नहीं आता। दोस्तों बुरे समय से घबराइए मत, क्योंकि बुरा समय का एक दिन बुरा समय आता ही है। बुरा वक्त हमेशा एक गुरु की तरह होता है, हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। दोस्तों मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे मालूम हुआ कि बुरे समय में अकेला ही निपट सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी वीडियो में थोड़ा भी आपको मोटिवेट किया हो, तो ऐसे ही मैं आप लोगों के पास नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।